प्लास्टिक दुनिया की एक ऐसी समस्या जिससे केवल मानव ही नहीं परंतु पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक खाने की वजह से हर साल हजारों लाखों जीव मर जाते हैं। प्लास्टिक हमारे आसपास हर जगह है, कलम से लेकर थैली तक, खिलौनों से लेकर गमलों तक, हर जगह हमें प्लास्टिक मिलता है। यह बहुउपयोगी प्लास्टिक बड़ी समस्या बनने का कारण है कि इस पर विघटन की क्रिया होने के लिए कई साल लग जाते हैं और जमीन में दफनाने से या जलाने से वातावरण में कई विषैले द्रव छोड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह विषैले द्रव्य से पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही प्राणी और मानवों में अस्थमा, कैंसर, वृक्क एवं फेफड़ों की भयानक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। CPCB 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 33 लाख टन प्लास्टिक का कचरा जमा होता है, पर इस कभी न ख़त्म होने वाली समस्या का समाधान हमारे वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है, जिसका नाम है पॉलीफ्यूल, प्लास्टिक से बना ईंधन जो बाकी ईंधनों की तरह ही काम करेगा। यह पॉलीफ्यूल हमारी प्लास्टिक की समस्या के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इससे निकलने वाली जहरीले द्रव्य बाकी ईंधनों के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में है। प्लास्टिक कचरे से बना यह पॉलीफ्यूल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल के लिए बहुत ही सस्ता और उपयुक्त पर्याय है। निजी स्तर पर प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए हम प्लास्टिक के लिए विकल्प ढूंढकर उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतलों की जगह मिट्टी या धातु की बोतल उपयोग में ला सकते हैं, प्लास्टिक की थैली की जगह जूट एवं कागज की थैलियाँ, थर्माकोल प्लास्टिक की प्लेटों की जगह कागज या गन्ने चावल का भूसा से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम हमारे भारत और पूरी धरती को स्वच्छ करते हैं।